धाकड़ समाचार, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। नहीं तो पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी ने रैलियां की थी, पूरी पार्टी 300 सांसद पिछली बार भी लगे थे, सारे केंद्रीय मंत्री पिछली बार भी लगे थे। तो पिछली बार तो बदनसीब और अर्बन नक्सल पे हमको छोड़ दिया गया था, इस बार आतंकवादी भी कहा जा रहा है, बंदर भी कहा जा रहा है, रावण भी कहा जा रहा है, खांसता है कहा जा रहा है, मतलब जितने तरीके से केजरीवाल जी को अपमानित किया जा सकता है किया जा रहा है। तो 8 फरवरी को दिल्ली की जनता इस संबंध में फैसला करेगी। चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, इस पर क्या कहना? चिन्मयानंद का चेला जब आके यहाँ प्रचार करेगा तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? चिन्मयानंद का चेला योगी में दिल्ली, योगी जो है वो दिल्ली में प्रचार कर रहा है तो उसको जमानत मिलना स्वाभाविक है। उसको तो अस्पताल में रखा था इस चेले ने, योगी ने, उस बलात्कारी चिन्मयानंद को योगी ने अस्पताल में रखा था और पूरी की पूरी सरकार कुलदीप सेंगर को बचाने में खड़ी थी, आके दिल्ली में भाषण दे रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि इस देश को चिन्मयानंद के चेलों से बचाने की जरूरत है। आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि अरविंद केजरीवाल दलितों, पिछड़ों, समाज के वंचित वर्ग के लिए जितना काम उन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया है, वो बिजली का हो, पानी का हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, हर स्तर पे जाके अनसाइज कॉलोनियों में विकास का कार्य हो, तो उन कार्यों से प्रभावित होकर इस चुनावी समर में बहुत सारे लोग कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, जेडीयू का दामन छोड़ के आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, केजरीवाल जी की नीतियों में यकीन और भरोसा जता रहे हैं। मैं नथुराम कश्यप जी का आम आदमी पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ करावल नगर में बल्कि आसपास की विधानसभाओं में भी इनके आने से पार्टी को बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी।